नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर 12 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हूबहू हम यहां पर लेकर आए हैं। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे एग्जाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि SSC GD का जो भी वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं, कंप्लीट क्वेश्चन हम एक एक बच्चों से पूछकर क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी हमने बच्चों से पूछ करके वीडियो बनाया है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर फेक नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा यहाँ पर आपसे पूछी गई थी, चार ऑप्शन आपके सामने थे, तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? रियाल, इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत में लोह पुरुष सरदार किसको बोला जाता है? तो भारत में लोह पुरुष किसको बोला जाता है सभी को पता है, तो इसका आंसर क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन, गोल्ड का रासायनिक नाम, गोल्ड का रासायनिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा था, तो गोल्ड का रासायनिक नाम क्या होता है? ओरम, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1948 के हॉकी ओलंपिक में कप्तान कौन थे? तो 1948 के अंदर हॉकी ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर कौन कप्तान थे हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के? तो कौन थे? किशन लाल। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि इवेंट घटी थी, जैसे कि हॉकी फिल्म आई थी उसी के आधार पर ये क्वेश्चन उठाया गया है। और अगला क्वेश्चन था, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को, ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, साइमन कमीशन भारत आया था तब लाठी मारकर किसकी हत्या कर दी गई थी? तो उस समय किसकी हत्या हुई थी लाठी से? लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा की राजधानी, तो राजधानी लगभग हर शिप में पूछी जा रही है, सुबह वाली में पूछी थी पंजाब की राजधानी, इसमें पूछी है त्रिपुरा की राजधानी, तो इसका सही आंसर क्या है? अगरतला। अगला क्वेश्चन, बुक से भी एक क्वेश्चन हर शिप में लगभग पूछा जा रहा है, द प्रोडिक्शन प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? ये शशि थरूर ने, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चहलगामी का दमन किसने किया था? तो चहलगामी का दमन किसने किया था? बलवन ने। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके लिए है। अगला क्वेश्चन था, ओजोन परत की खोज किसने की? तो ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स व हेनरी ने, इन दोनों ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था, महिला दिवस 8 कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, अभी हाल ही में बने हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? भूपेश बघेल। ODBC की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी थी, ठीक है, ODBC की यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, ये आपको बताना था। तो दोस्तों 5 राज्य में नए में चुनाव हुए थे, उसके मुख्यमंत्री भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके भी अच्छे से याद कर लीजिए। गवर्नर भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तथा स्टेट्स की राजधानी भी एग्जाम में पूछे जा रही हैं। तो दोस्तों ये 19-20 क्वेश्चन हमारे पास आए थे GK के, जो कि हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन हम हिंदी से करते हैं, हिंदी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैंक दिया गया था, आपको भरना था, ऑप्शन दिए थे आपके सामने 4, लड़का बहुत चालाक है, तो इसके सामने इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना था, 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? तुम्हारा लड़का बहुत चालाक है, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था, गीता गाना गाती है नमकीन ठंडा मधुर मिठास, तो किस प्रकार का गाना? नमकीन भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता, मिठास भी नहीं होता, कैसा होता है? मधुर, इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था, उत्कृष्ट का विलोम आपसे पूछा था, तो उत्कृष्ट का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा था, तो उत्कृष्ट का विलोम आपको बताना था क्या होता है?
निक्रस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है कोलू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। कोलू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, कठिन परिश्रम करना, ये हिंदी का पूछा गया था। अगला पूछा गया था विभूति का पर्यायवाची शब्द, तो चार ऑप्शन आपके सामने थे, तो विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या था ये आपको उसमें से बताना था। अगला क्वेश्चन था गति विरोध, तो इसको शुद्ध रूप में लिखना था, चार ऑप्शन आपके सामने थे, तो इसका हिंदी यानी कि हिंदी की दृष्टि से शुद्ध शब्द लिखने थे। तो इस प्रकार से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िए। पर्यायवाची शब्द हर शिफ्ट में 2 से 3 पूछे जा रहे हैं। भुजंग का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया था, तो भुजंग का क्या पर्यायवाची शब्द था ये आपसे पूछा गया था। वह पाँव से जूता निकाल रहा है, वह पाँव से जूता निकाल रहा है, इसको शुद्ध करके लिखना था। तो पाँव से जूता निकाल नहीं, पाँव से क्या, जूता उतार रहा है। तो इसका सही क्या आता है, यहाँ पर उतार रहा है, ये इसका सही आंसर आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैथ्स के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक आयत की लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से ए बी से 20% ज्यादा है तथा सी है वो बी से 25% ज्यादा है। तो ए बी सी का अनुपात आपको यहाँ पर बताना था कि इनका क्या अनुपात निकल कर सामने आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 8, 16, 24 और 32 का एवरेज क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा था मूलधन 250, दर 12%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इतने इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था मैथ्स का वो था दूरी दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, टाइम आपको निकालना था। तो आपको समय चाल दूरी का सूत्र लगा के आप आराम से यहाँ पर समय ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था शंकु की ऊंचाई दे रखी थी आपको और त्रिज्या दे रखी थी, और यहाँ पर आपको क्या करना था, आयतन यहाँ पर ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन भी इजी पूछे जा रहे हैं, हिंदी के भी इजी पूछे जा रहे हैं और जीके के भी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों साथ ही में आपको दिखाते हैं फेसलिफ्ट के आज जीके के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए फेसलिफ्ट के जीके के क्वेश्चन करते हैं। 12 फरवरी फेसलिफ्ट में पूछे थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी ने लिखी थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, मोहम्मद अली जीना, ये इसका सही आंसर था। अगला था लक्षद्वीप किस सागर में है, यहाँ पर मिक्स, लक्षद्वीप किस सागर में है, तो कौन से सागर में है, अरब सागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था यहाँ पर करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने, कब दिया था, 1942 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, 1526 के अंदर, ये 12 फरवरी की पहली पारी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। और शुरू शुरू में जो आपको बताए थे वो 12 फरवरी की दूसरी पारी में पूछे गए क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया है, तो आर्टिकल 370 के तहत। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, कहाँ खेली जाती है लठमार होली, मथुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था राजस्थान के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिम के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो है इस प्रकार से अरावली। केंद्रीय खेल मंत्री आपसे पूछा था गंगा को बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राहुल द्रविड़ किस खेल से संबंधित हैं, किससे हैं, क्रिकेट से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पंजाब की राजधानी पूछी गई थी। राहुल गांधी खेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति कौन थे, अभिनव बिंद्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हवा महल कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शशिकांत,
ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूले, तथा पे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि एसएससी जीडी के बहुत सारे पेपर सबसे पहले आपको रियल बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन के वीडियोज इस चैनल पर आने वाले हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा छोटा सा, उसको भी प्रेस करना न भूले। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए और नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।